एवरीवन, परफेक्ट ग्रोथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली बेसिस पर नए नए वीडियो लेके आते रहे। हमारा पहला स्टॉक है रिटको लॉजिस्टिक लिमिटेड। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें आपको 7% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इस स्टॉक ने 90% के और मैक्स चार्ट पैटर्न लगा हुए तो 124% के रिटर्न बना कर दिए हैं। इसमें अभी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रखा है, इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पैनल है, आप यहां देखेंगे तो स्टॉक ने यहां से एक बार इसको ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद स्टॉक वापस रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो वापस इसमें तेजी देखने को मिली है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो काफी अच्छी आती हुई देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम में। और आरएसआई की बात करें तो ये हमें 75 के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था ये 77 के करीब, यानी यहां से बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है यहां पे। एन इसे हम करते हैं डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे ही आप डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो आप यहां देखेंगे यहां पे स्टॉक ने कितना सक्सेसफुली ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट के बाद आप यहां देखेंगे थोड़ा से हम एनालाइज करें, यहां देखिए आरएसआई को देखिए कहां चल रहा है, 93 के समथिंग गया था एंड उसके अभी ट्रेड कर रहा है 69 के करीब। तो यहां से बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि यहां से स्टॉक बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है, आपको 5 से 10% के रिटर्न इजीली मिल जाएंगे अगर आप स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एंड इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इसमें दो तरह के स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं। एक तो रख सकते हो 250 का यानी 250 का, और दूसरा स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हो 240 का। एंड इस पर करंट प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हो, और या चाहो तो इस कैंडल का भी आप लो रख सकते हो, 260 का बनता है। अब हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो आप यहां देख सकते हो मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर है, वहीं आपको 100 डे और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है 200 दिन, यानी यहां पे आप गोल्डन क्रॉस ओवर देख रहे हैं। ये देखिए यहां पे आप देखें तो गोल्डन क्रॉस ओवर यहां हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, ठीक है। इस लेवल से आप कंसिडर करो, देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 69 यानी 70% तक के रिटर्न देखने को मिल गए। बट आपको किसी भी स्टॉक को टाइम देना पड़ता है तब जाकर ये रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देख सकते हो काफी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है डे टाइम फ्रेम में। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद इस पर भी स्टडी एक बार जरूर कीजिएगा। हमारा दूसरा स्टॉक है रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें आप लगभग आपको 5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आप 6 मंथ में देखेंगे तो इसने भी 43% के रिटर्न बनाकर दिए। वहीं 1 ईयर की बात करें 96 और 5 ईयर की देखेंगे तो 59 और मैक्स चार्ट पैटर्न लगाएंगे तो ये एनएससी पे आपको लगभग 60% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आ रखा है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद इस पर भी आप एक बार स्टडी कीजिए। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट आ चुके जो कि काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न है, आप यहाँ देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर आपको देखने को मिलेगा, एक तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न रहता है इस रिटर्न रहते हैं ना यहाँ से इस लेवल तक उतने रिटर्न इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके कितने रिटर्न बनते हैं इसके हम कंसीडर करें वीकली टाइम फ्रेम में, इस लेवल से यहाँ से लेके हमारा ये लेवल बनता है तो यहाँ 125% दिखा रहा है और इसी को हम एज इट इज ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 55% तक के आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा 800 के ऊपर, ठीक है, यानी 800 सवा 800 तक ये आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा इस लेवल के हिसाब से, ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से। अब इसे हम वीकली टाइम फ्रेम में ही हम इसका एक देखते हैं आरएसआई देखते हैं, ठीक है। आरएसआई आप देखेंगे तो काफी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, 81 के करीब ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहां एक चीज और नोट करने वाली बात है, स्टॉक ने यहां से ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग ऊपर दी है। ये वीकली टाइम फ्रेम में आप डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, देखिए जैसे आप डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, आज के दिन ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्लोजिंग ऊपर देखने को मिली है तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि स्टॉक यहाँ से एक बार वापस हल्का सा कंसोलिडेट हो, यानी 2-4 दिन कंसोलिडेशन जोन में रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन जोन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला है। सेम अगर यहाँ भी बनता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब बहुत तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और यहाँ से थोड़ी तेजी के बाद भी अगर स्टॉक वापस कुछ इस तरह से भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस तरह से भी अगर ये चलता है तो भी आपको काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। अब मूविंग एवरेज लगाकर भी देखें तो आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर काफी टाइम से पहले ही देखने को मिल गया था, इस लेवल से आप कंसीडर करें तो। और यहां भी देखेंगे तो इन सबके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं।
ये जो 55% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये अचीव होने में कम से कम इसे लगभग 7 से 8 महीने लगेंगे, बट आपको ये रिटर्न हो सकता है इसे जल्दी भी अचीव करवा दे, बट मैक्सिमम टाइम तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस आप कौन सा आप चाहो तो जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है 470 का, इसका भी रखकर चल सकते हो। चाहो तो ये जो वाली हमारी कैंडल देखने को मिल रही है ना, इसका भी आप रखकर चल सकते हो, जो कि इसका 490 के करीब देखने को मिल रहा है। अगर ये भी ना रखना चाहो तो आप यहाँ 525 जो इसने आज के दिन ब्रेकआउट दिया, इसका भी आप स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप कौन सा मतलब स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट आपका ये है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 3 से 4-5 महीने के लिए, तो आपको इजीली ये रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टॉक पे भी आप अपनी स्टडी करना, इसको भी अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए, इसके भी फंडामेंटल। थर्ड स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें भी आपको 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, और 1 ईयर के रिटर्न की बात करोगे तो इसमें मात्र आपको 6% के रिटर्न दिए, वहीं 6 मंथ का आप देखोगे तो काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। मैक्स चार्ट पैटर्न लगाएंगे तो 198% के रिटर्न देखने को मिल रहा है ऑल ओवर, और इसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इसके पैटर्न के हिसाब से आप समझ गए होंगे इसमें ब्रेकआउट कैसा बन रहा है, ठीक है। और इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करने के बाद इस पर भी आप एक बार अपनी स्टडी कीजिए, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को। कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न है, आप यहां देखेंगे स्टॉक ने ये हाई लगाया था जो हमारा देखने को मिला है 1 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद आपको एक ट्रेंड में एक जोन में देखने को मिला, यानी डाउन ट्रेंड में कुल मिलाकर। उसके बाद आप यहां देखेंगे फाइनली इसका आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला, ये ब्रेकआउट आपको 2 ब्रेकआउट देखने को मिले हैं वीकली टाइम फ्रेम में। एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि यहां हमारा एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ था इस लेवल से के बाद, एंड उसके अलावा आप देखेंगे एक ये लेवल था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, 2 ब्रेकआउट आपको देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी आ रही है इसके, और वहीं RSI की बात कर लेते हैं, ये 68 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसमें बहुत ऊपर जाने की, ठीक है। क्योंकि आप यहां जब पीछे जाएंगे ना तो ये देखिए ये कहां देखने को मिल रहा था हमारा RSI 93 के करीब, यानी आप ये मानकर चलिए जब 93 के करीब ये स्टॉक ट्रेड गया, मतलब RSI गया था, तो स्टॉक ने काफी अच्छा हाई लगा था। अगर इस लेवल से 68 से RSI अगर 93 जाता है तो आपको इजीली 20% के रिटर्न इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने इसे डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया, आप यहां देख सकते हो, यहां से आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा कैसा है। यहां पे आप समझिए, देखिए यहां से 2 ब्रेकआउट देखने को मिले हमें, एक तो स्ट्रेंड लाइन का और एक इसका, ठीक है। और वॉल्यूम्स की बात करें, आप वॉल्यूम्स देखिए, पहले वॉल्यूम्स डे टाइम फ्रेम में काफी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। अब डे टाइम फ्रेम के अलावा हम RSI की भी बात कर लेते हैं, डे टाइम फ्रेम में ये 73 तक गया है, ठीक है। पीछे देखेंगे तो पीछे आपको वही सेम 90 के करीब जाता हुआ देखने को मिला है। अभी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना, और उसके अलावा भी आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा पैटर्न ये बन रहा है कि यहां से स्टॉक थोड़ी बहुत आपको तेजी दिखा सकता है, बट यहां पे जैसी तेजी दिखाने के बाद ये यहां रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी एक ब्रेकआउट की और बात करें तो आप यहां देख सकते हो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन लग रही है आप यहां देखेंगे 2023 का जो इस साल का, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, यानी आपको 3-3 ब्रेकआउट देखने को मिले, तो यहां से बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि ये स्टॉक आपको काफी अच्छे रिटर्न बनाकर देगा। हम इसके रिटर्न की बात करते हैं, देखिए हमारा जो पहला टारगेट रहेगा तो वो इस लेवल रहेगा 352 तक स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलेगा, फिर ये हमारा छोटे छोटे टारगेट है इसके, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, ये 367 का, फिर इसका मैक्स जो है ये वाला 408 का, ठीक है। अब इस लेवल पर मान लीजिए हम एंट्री लेते तो हमारे इस लेवल तक रिटर्न कितने बनते हैं, लगभग 23% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना, 23% के रिटर्न बन रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, ठीक है। आप स्टॉप लॉस की बात करें तो आप स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हो 316-315 के करीब, ठीक है। और हमारे ये मूविंग एवरेज लगाकर देखे तो आप मूविंग एवरेज लगाकर यहां देख सकते हो आपको कितने, यहां पे आप देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और ये एक इसका कंसोलिडेशन जोन बना था, ठीक है। फाइनली यहां ब्रेकआउट देखने को मिला और आपको रिजल्ट देखने को मिला काफी अच्छी तेजी। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 100 दिन का और ये 200 दिन का, यहां से 200 दिन ने सबको ब्रेक किया, यानी स्टॉक में बड़ी तेजी आने वाली है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अपनी रडार पर रखना है, वॉचलिस्ट में ऐड करना है, इस पर भी स्टडी करना, काफी अच्छे रिटर्न 23% के इजीली रिटर्न मिल जाएंगे। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रिजल्ट थोड़े वीक है, और क्वार्टरली बेसिस पे इसके रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए देखने को मिले। तो इस स्टॉक को भी वॉचलिस्ट में ऐड करना, स्टडी करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका मैं आपको प्रॉपरली आंसर दूंगा। एंड इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।